नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन के एक बजे का। एक बजे हर रोज दिन के एक बजे किसी न किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़िए। अपने इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो जाइए हमारे इस कार्यक्रम में, और अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर आप इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। आज हमारे बातचीत का मुद्दा यह है कि अग्निवीरों की बहाली में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर आखिर देश में राजनीतिक बवाल क्यों है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये बात एक दिन पुरानी हो गई, कल इस पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है और बातें की गई है, लेकिन आज हम उसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए आपसे ये बातचीत हम कर रहे हैं। क्या सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र मांगना जरूरी था? क्या सेना की बहाली में कोई आरक्षण की व्यवस्था है जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है? क्या सेना की बहाली धर्म और जाति के आधार पर होती है? इन सब सवालों पर देश में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी बातचीत को अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये बखेड़ा गैर जरूरी था। लेकिन ये क्यों गैर जरूरी था, उसके पहले हम ये जानते हैं, एक बार फिर दोहराते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, आप चीजों को जानते भी हैं, क्योंकि बात एक दिन पुरानी हो गई। तो सबसे पहले वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद पूर्व, क्षमा करें, वरुण गांधी बीजेपी के सांसद, उन्होंने सबसे पहले सवाल किए। जरा वरुण गांधी की बात को सुनते हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब यह जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? ये वरुण गांधी कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं। सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वही वरुण गांधी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो अग्रसर थे इस मसले को लेकर, उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणी की। संजय सिंह की टिप्पणी को सुने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सांसद संजय सिंह ने पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस स्क्रीनशॉट में राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? यह संजय सिंह का ट्वीट है। हम आपको यह भी बताते चलें कि बिहार में बीजेपी के साथ चल रही सत्ता में शामिल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले यह बखेड़ा खड़ा किया और उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा और उनसे जवाब मांगा कि राजनाथ सिंह इसका जवाब दे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह पूछा कि सेना की भर्ती में जाति किस लिए मांगी जा रही है, जाति प्रमाण पत्र किस लिए मांगी जा रही है। उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से सवाल किया कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण के साथ जाति धर्म की जानकारी लेने देने का अगर कोई सदुपयोग है तो वह स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका देशवासियों में वाजिब है, कृपया आशंका दूर करवाएं। एक शब्द इसमें जुड़ गया, आप देखेंगे, जाति और धर्म, ये जुड़ गया। ये उपेंद्र कुशवाहा का ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये आशंका है, उस आशंका को दूर करिए। उपेंद्र कुशवाहा के यह कहने के एक दिन बाद तेजस्वी यादव एग्रेसिव हो गए और उन्होंने भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव ने अपने व्यंग्यात्मक ट्वीट में कहा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से
जाति पूछती है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये तेजस्वी यादव का। तो आपको मैंने ये बताया, जीतन राम मांझी का भी एक सुन लीजिए। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि जब सशस्त्र बलों में भर्ती की नई योजना के तहत जाति आधारित आरक्षण नहीं है तो उन्हें अपनी जाति का खुलासा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। चलिए, ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ वो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने ट्वीट करके, कुछ लोगों ने बयान जारी करके, कुछ लोगों ने अपनी बात करके अपनी राजनीति साधने की कोशिश की। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि सेना की तरफ से जवाब आया है। जो जवाब सेना की तरफ से आया या देश के रक्षा मंत्री की तरफ से जो जवाब आया उसको जरा गौर फरमाइए। सेना का जवाब पहले सुनते हैं, उसके बाद नहीं क्षमा करें, पहले राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, जिनसे उपेंद्र कुशवाहा ने, जो उनकी ही गठबंधन में हैं, उन्होंने उनसे जवाब मांगा है। तो राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया है उसको समझने की जरूरत है। अग्निपथ योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र मांगने को लेकर उठे सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने तुरंत आम आदमी पार्टी के आरोप का खंडन किया। आरोप का खंडन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा यह केवल अफवाह है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं यह अफवाह है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक अफवाह है। आजादी से पहले जो भर्ती व्यवस्था थी वह अब भी जारी है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेना की बहाली जैसे पहले होती थी वैसे ही अभी भी हो रही है और जिन कागजातों को पहले मांगा जाता था वही कागजात इस बार भी मांगे गए हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेना की तरफ से स्पष्ट जवाब आया है। सेना के जवाब को ज्यादा गौर से समझने की जरूरत है। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है। सैन्य अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। सैन्य भर्ती में धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सेना के एक अधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण और तैनाती के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों का अंतिम संस्कार करने के लिए धर्म का पता होना आवश्यक होता है। इससे उनका अंतिम संस्कार उसी धर्म के मुताबिक किया जाता है। सेना ने स्पष्ट कर दिया कि हम धर्म और जाति, हालांकि वो धर्म ही जब दे दिया जाता है तो उससे पता चल जाता है, तो वो इसलिए मांगा जा रहा है कि जब जवान शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश, तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, तो उनके धर्म का पता होना जरूरी है और इसीलिए वो मांगा जाता है। इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र मांगने की कोई वो नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों, इनको सेना में बहाली नहीं करना चाहती है ये सरकार, इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो सेना की बहाली सालों से चली आ रही है, माने आजादी के पहले से जो सेना की बहाली की जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के तहत ये बहाली भी हो रही है। तब अब सवाल उठता है कि आखिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया। उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू में है, जो बिहार की राजनीति में रोज कोई ना कोई, ये कुछ सवाल है, ये मेरी राय नहीं है, मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूं, ये बातचीत आपके ये कुछ तथ्य आपके सामने हम रखना इसलिए चाहते हैं कि आप भी इस पर विचार करें और विचार करने के बाद इस पर एक अलग से बातचीत की जा सकती है। कुछ संदर्भ, कुछ बातचीत, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वरुण गांधी, सेना की बहाली की चिंता उनको आखिर क्यों हुई? वरुण गांधी हाशिए पर है बीजेपी में,
उनकी बीजेपी में आजकल पूछ रही है, तो कुछ वो कहना चाहते हैं सेना की बहाली के सवाल को उन्होंने खड़ा किया। ये एक बिंदु है, विचार का बिंदु है, ये मेरी राय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार में लगातार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए, उसको साधने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए हर रोज कोई ना कोई बकेड़ा जरूर खड़ा करती है, उसी में से क्या इसको भी नहीं देखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं जदयू के, उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से यह मांग की है कि आप इन शंकाओं को दूर करें। तेजस्वी यादव जाति आधारित जनगणना वो कराना चाहते हैं और जाति को वो पकड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, ये किसको, इन बड़े नेताओं को क्या ये पता नहीं है कि सेना की बहाली की प्रक्रिया क्या है और पहले वो कैसे होती? क्या इन चीजों को इन लोगों ने पता नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्या पता नहीं करना चाहिए था? इतनी बड़ी टिप्पणी करने से पहले संजय सिंह जो बात कह रहे हैं, संजय सिंह की तल्ख टिप्पणी है, उसको एक बार आप, ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, संजय सिंह कहते हैं कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है सेना भर्ती में जाति पूछी जाए। तो क्या यह सचमुच में भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है? इसको चेक करने की जरूरत है। सेना की बहाली में पहले कभी जाति या धर्म पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अगर नहीं पूछा गया तब तो संजय सिंह ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, और अगर पहले भी पूछा गया है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार कैसे हुआ, ये संजय सिंह से पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना की भर्ती में के काबिल ये लोग नहीं मानते। क्या पहले से दलित, पिछड़े और आदिवासी सेना में नहीं है? अगर नहीं है, क्योंकि बहाली तो ये जो सरकार है पिछले 7-8 सालों से चल रही है, 14 से अभी तक चल रही है, तो इसके दौरान सेना में बहालियां हुई होंगी, तो ये देखना होगा कि क्या सचमुच में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती किया गया कि नहीं किया गया। और ये निकाल देना चाहती है, बाद में निकाल देगी, ये सवाल है आगे क्या होगा, ये पहले से हम, तो ये क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये क्या केवल दबाव बनाने के लिए, राजनीति में अपनी हनक दिखाने के लिए, राजनीति में अपने सवाल के जरिए सरकार को घेरने के लिए ऐसे तथ्य रखे जाएं जिनमें कोई सच्चाई नहीं हो? ये सवाल है। हो सकता है कि मुझे ही जानकारी नहीं हो कि सेना की बहाली में पहले कभी जाति और धर्म पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अगर सचमुच में नहीं पूछा गया, उसकी पड़ताल मैं भी करूंगा, आप भी करिए। ये तथ्य, ये प्रश्न आज इसलिए रखा गया कि देश की राजनीति में ये जो बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है अग्निवीरों की बहाली को लेकर, और उसमें हर रोज कुछ नई नई चीजें लाकर जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, उनमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर क्यों नहीं इस सरकार के खिलाफ धावा बोलते? उपेंद्र कुशवाहा जो सरकार में शामिल है, इसी सरकार के साथ उस रोज एक शंका व्यक्त करके क्यों नहीं वो इस पार्टी से अलग हटके, इस गठबंधन से अलग हटके कोई नई बात, कोई नया गठबंधन बनाने की सोच रहे? क्यों नहीं बिहार में सत्ता से बाहर जाकर इस सरकार से उनको गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए? अगर सेना की जी बहाली में इस तरह से धांधली और गड़बड़ी हो रही है, तो राजनीतिक दल जो अलग अलग ट्वीट करके और बयान जारी करके जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सब एकजुट क्यों नहीं होते? ये गंभीर समस्या, ये गंभीर सवाल है कि सेना की बहाली में जाति क्यों पूछा जा रहा है, धर्म के नाम क्यों पूछा जा रहा है? अगर ये है तो सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुहिम क्यों नहीं चला रहे, या केवल ये राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए और अपनी हनक दिखाने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है? अगर ये सच है, इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि अग्निवीर सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उससे बड़ी बात हुई है कि देश में जरूरी चीजों पर, माने आटा, चावल, दाल, तेल, इन सब पर वैट बढ़ाकर जनता पर भारी बोझ पड़ा दिया गया, क्या ये सवाल
गंभीर सवाल नहीं था, क्या इस पर संसद से लेकर सेनेट तक कोई सवाल खड़ा किया जाना नहीं चाहिए था? ये आखिर विपक्षी पार्टियां जिनकी औकात पता चल गई है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जिस तरह से ये बिखरे, जिस तरह से इनकी अपनी ये अपनी अपनी राग ये सब अलापते रहे, वो सब सामने आ गया है। देश की जनता के सामने इससे गंभीर सवाल है, भूख का, बेरोजगारी का, रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, महंगाई का सवाल। इन सवालों पर राजनीतिक दल एकजुट होकर कोई गंभीर बात क्यों नहीं करते? सेना की बहाली में अगर जाति प्रमाण पत्र मांगना गलत है और ये तथ्य सही है तो राजनीतिक दल एकजुट होकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा क्यों नहीं करते? ये गंभीर सवाल है और इसी सवाल पर हम बातचीत रखेंगे जरूर, उसमें आप जरूर शामिल होइए। आज इस सवाल के साथ ही हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। हम ये खत्म करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि विमर्श न्यूज के यूट्यूब चैनल को आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।